राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है कस्बों और नगरों का वितरण। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक नगर थे। पश्चिमी और पूर्वी तट के प्राचीन पत्तनों के निकट भी नगर स्थित थे। भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी पठारों की विस्तृत भूमि पर नगर अपेक्षाकृत कम और दूर दूर स्थित थे। ये कस्बे और नगर विशेष रूप से देश के आंतरिक भागों में प्रायः प्रशासनिक मुख्यालय, केंद्रीय स्थानों पर व्यापारिक केंद्र या धार्मिक महत्व के स्थान थे। मध्यकाल के मुस्लिम शासनकाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए, केवल कुछ नगरों के नाम बदले गए या इनमें कुछ इस्लाम धर्म से संबंधित इमारतें बना दी गईं। लेकिन आधुनिक काल में कस्बों और नगरों के प्रतिरूप में काफी परिवर्तन आया है। इन क्षेत्रों में कस्बों और नगरों की संख्या अधिक तथा आकार बड़ा है। पंजाब हरियाणा गंगा का ऊपरी मैदान। उत्तर भारत के मैदानों, विशेष रूप से इसके पश्चिमी भाग में विभिन्न आकार के कस्बों और नगरों की संख्या अधिक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की एक श्रृंखला उत्तर पश्चिम में अमृतसर से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैली है। कोलकाता रांची पट्टी। दक्षिण पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी भाग में भारत की खनिज संपदा के भंडार हैं। इसे भारत का रूर बेसिन कहना सर्वथा उचित है। इस खनिज बहुल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कोलकाता तथा इसकी पत्तन सेवाएं हैं। इस पट्टी में कोलकाता के अतिरिक्त अन्य नगर हैं आसनसोल, धनबाद और जमशेदपुर। मुंबई गुजरात प्रदेश। बड़े नगरों और कस्बों का दूसरा संकेंद्रण गुजरात में है। यहां 4 महानगर राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत हैं। ये सभी अपने नगरीय तंत्र के केंद्र बिंदु हैं। इस क्षेत्र के अधिकतर नगरों का उदय औद्योगिक विकास, विशेष रूप से पेट्रोलियम पर आधारित उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र की नगरीय पट्टी मुंबई से लेकर दक्षिण पूर्व में पुणे तक तथा मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के साथ साथ विस्तृत है। केरल तट। केरल के तट पर माहे से लेकर कन्याकुमारी तक
नगरों की एक लगभग निरंतर पट्टी है। कोच्चि अब महानगर बन गया है। इस पट्टी का अन्य महत्वपूर्ण नगर तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु दक्षिण कर्नाटक पट्टी। चेन्नई और बंगलोर नगरीय औद्योगिक विकास का एक अन्य गलियारा है। ये दोनों ही बृहत नगर हैं। आंतरिक क्षेत्र में कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, सेलम और पांडिचेरी प्रमुख औद्योगिक नगरीय क्षेत्र हैं। दक्षिणी कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि पर विभिन्न प्रकार के अनेक कस्बे हैं। ऊपरी कृष्णा द्रोणी। दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में सतारा से लेकर कर्नाटक के शिमोगा तक पश्चिम घाट के समांतर कस्बों और नगरों की एक अविच्छिन्न पट्टी है। खनिज भंडारों और जल विद्युत विकास ने इस पट्टी के औद्योगिकीकरण और नगरीकरण में बहुत सहायता की है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा उसकी निकटवर्ती निम्न भूमियों में कस्बों और नगरों का एक उल्लेखनीय क्षेत्र है। ये तट से अंदर की ओर विजयवाड़ा, वारंगल और हैदराबाद तक विस्तृत है। इसका विस्तार उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान में विशाखापत्तनम तक है। उत्तरी महाराष्ट्र। मुंबई कोलकाता के मुख्य मार्ग के सहारे भी नगरों का उल्लेखनीय विकास हुआ है। ये मार्ग विदर्भ के कपास संपन्न क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा पूर्व में और आगे छत्तीसगढ़ के खनिज संपन्न क्षेत्र से होता हुआ भारत के रुर बेसिन तक चला गया है। इस क्षेत्र के अनेक नगरों में नागपुर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रायपुर, भिलाई नगर, दुर्ग और बिलासपुर अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे अमिताभ वर्मा के स्वर में वार्ता कस्बों और नगरों का वितरण। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्रा, आलेख एमएन कॉल तथा आरके गंजू, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।